यार दोस्तों नमस्ते भाइयों बहनों। तो आज हम लोग चले हैं शिवानी दीदी के घर। अरे हमको पता नहीं था कि मेरे घर के पीछे रहती हैं, और यार मुझे एकदम पता चला कि भाई मेरे तो घर के पीछे रहती हैं। अभी मैंने कल परसों का ब्लॉग उनका देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आज हम लोग यहाँ पे केक रखा हुआ है और हम लोग जा रहे हैं शिवानी दीदी घर, और वहाँ पर चल के देखेंगे भाई देखो एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि हमको तो भाई डाउट है थोड़ा सा। लेकिन हाँ मैं मिल जाऊँगा, मुझे उनसे उम्मीद है, क्योंकि यार मैं उनका पड़ोसी हूँ और पड़ोसी होने के नाते उनसे मुझे मिलना चाहिए। चाहे वो जितना बड़ा ही क्यों ना सेलिब्रिटी हो, मैंने देखा हुआ है कि चाहे जितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, अगर जो पड़ोसी होता है उससे तो नेबर जो होता है उससे तो बात होती रहती है। तो वो यार हम लोग ट्राई करने वाले हैं, देखेंगे भैया दीदी हमसे मिलती है कि नहीं मिलती है। वैसे हम पड़ोसी हैं, पीछे रहते हैं और ज़्यादा करके दूर नहीं रहते हैं, मतलब जहाँ पर उन्होंने घर खरीदा है वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही मैं रहता हूँ। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सीधे दीदी घर, और यार चल के देखेंगे कि भैया क्या सिस्टम है उनका। अभी तो यार हम तो काफ़ी खुश हैं, लेकिन हमको पता है मतलब नहीं होता, निगेटिविटी ज़्यादा मन में आती है, पता नहीं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, क्या होगा, बात करेंगी कि नहीं करेंगी, भगा देंगी कि गार्ड अंदर घुसने देगा कि नहीं देगा, मतलब पता ही नहीं क्या होता है यार। वैसे तो मैं 100% जानता हूँ उसको, होता इतना बड़ा यूट्यूबर है, 10 मिलियन उसके हो गए हैं, और उससे जितने भी सब्सक्राइबर मिलने के लिए आते हैं भाई मिले ही जाते हैं। मैंने ये तो देखा है कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसके, और भाई जो भी बंदा उससे मिलने जाता है प्यार से मिलता है उससे है भाई, उससे बहुत प्यार से उसको बुलाता है, अपना स्टूडियो भी दिखाता है। अब इतना ही बड़ा है यार, सोचो तो आज हम पहली बार जा रहे हैं किसी यूट्यूबर से मिलने के लिए, जिसके 6 लाख फॉलोवर हैं यूट्यूब पर और 1 मिलियन है लगभग, 1.1 मिलियन है उस पर इंस्टाग्राम पर। तो पहली बार जा रहे हैं, अरे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन यार मैंने केक खरीद लिया है, पता नहीं जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, दीदी क्या कहेंगी, भगा देंगी कि बात करेंगी हमसे, पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा वीडियो पूरा देखिएगा। लेकिन हम आपको उनका घर भी बताएंगे कहाँ पे घर है और कैसा दिखता है, सोसाइटी कैसी जहाँ पे हो रह रही है। अब तो भैया शिवानी दीदी ऊपर हो सकता है लगातार व्लॉग आने लगे, अगर बाई चांस बात आत हो जाती है मेरी, क्योंकि यार देखिए उनको किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो, कानपुर में वो नहीं, ठीक है, जब इंसान कानपुर में नया आए तो उसको हम पूरी बातें बता सकते हैं ना, नहीं समझे, जैसे उनको किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत है या फिर कोई शॉप कहीं जाना है, मार्केटिंग करनी है, या फिर और किसी मुसीबत में है, किसी हेल्प चाहिए उनको एकदम, कोई जो मतलब परिवार की तरह मतलब जो उनके मदद कर सके, तो यार हो सकता मैं वैसा बन जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत विश्वास है अपने ऊपर, और एक तो मैं पास में रहता हूँ, ये कुछ खूबियाँ हैं। तो यार अभी थोड़ा जाम लग गया है, पूरा ऐसे ही मैं ब्लॉग बनाऊंगा जितना मैं घर पहुंच नहीं जाऊंगा। तो यार हल्का सा मुझे डर लग रहा है, अगर आपको डर लगता है किसी जिसे मिलने के, जैसे कि आप नए स्कूल में जाते हैं तो आपको डर लगता होगा, या फिर आप कहीं भी नया घूमने अकेले जाते होंगे, हम किसी को लेके नहीं जा रहे हैं, अपने फ्रेंड को भी किसी को नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन एक उम्मीद है दिल में कि हाँ यार शिवानी दीदी आप वो इतना यूट्यूब पर उनका नेचर इतना अच्छा लगता है, अब पता नहीं रियल में उनका नेचर कैसा है, तो वही थोड़ा आपको मैं बताऊंगा कि उनके गार्ड कैसे हैं, कि मतलब जहाँ सोसाइटी है जो उनकी सोसाइटी है वो कैसी है, और यही कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। तो पता ही नहीं कैसा रहेगा, लेकिन फिर भी जैसा रहेगा बताऊंगा आपको। भैया ये नीचे केक रखा है, हमने अपना नाम तक लिख, हमने इनसे कहा था कि भैया, हमने इनसे कहा भैया देखो हमको मिलवा नहीं रहे हो, भैया इन्होंने हमको नहीं मिलवाया यार, भाई तुमको बताएं इनके खाली यूट्यूबर पे 6 मिलियन फॉलोवर, बात समझना भाई, यूट्यूबर पर इनका देखो भाई दीदी का नेचर नहीं बता रहे आपको, कतई ही है कि देखिए इनकी पूरी वो है, पहले आपको हम बता देते हैं, तो हमको इन्हें मिल थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो गई थी, एकदम मेरा पैर किन्नस चढ़ गई थी, तो मैंने उसको एकदम सही किया, तो हम लोग फिर से अपने रास्ते पर कैरी ऑन हो गए हैं। और हम भी भैया कानीपुर से हैं, कल्याणपुर में रहते हैं, और दीदी जो रहती हैं वो अपने कल्याणपुर के किसी शहर में रहती हैं, मैं एकदम एक्सप्लोर तो नहीं कर सकता हूँ कहाँ एक्चुअली वो रहती हैं, हो सकता है भाई मेरे क्योंकि उनका बड़ा यूट्यूब चैनल है मुझको स्ट्राइक दे दे, तो मैं एकदम उनका घर भी नहीं एक्सप्लोर कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पे इस जगह मेन यहाँ पर दीदी रहती हैं, हर सब्सक्राइबर यहाँ से मिल सकता बाई चांस भैया वायरल हो गई वीडियो, तो भैया वो तो दीदी और गार्ड परेशान हो जाएंगे, तो उनसे हमको अपना व्यवहार बनाना है, अपने हमको वो गंदी हरकतें नहीं दिखानी है, अच्छा व्यवहार बनाना है, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि आप यहाँ भी आई, हम आपके पड़ोसी हैं, आप हमसे दोस्ती करेंगे कि नहीं करेंगी, वैसे दोस्ती में कोई बातें नहीं, हम तो मानी थी दीदी हमसे काफ़ी उम्र बड़ी हैं, और हम भी अभी 18 ईयर्स ओल्ड हैं, और वो दीदी कम से कम तो 24 की 26 के आसपास की होंगी,
हो सकता हो इससे भी ज़्यादा एज हो, लेकिन हाँ दीदी का जो नेचर है वो यूट्यूब में तो काफ़ी अच्छा दिखता है। अब वो रियल में जाके पता चलेगा कि भैया रियल में उनका नेचर कैसा है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि भैया उनका नेचर कैसा है, तो भैया मिल जाने के बाद ही पता चलेगा। और सुटैचिंग में आपको उनकी पूरी दिखा दूंगा कि भैया देखो सुटैच ऐसी है, लेकिन उनके बारे में पता नहीं, उनके पेट काटने का हमको सौभाग्य उनको प्राप्त होगा कि नहीं होगा। मतलब यार हम तो बहुत ही मन से लेके जा रहे हैं केज की, भाई कानपुर में आप आएंगे तो देखिए उनके लिए मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सरप्राइज एक प्लान किया हुआ है कि दीदी के लिए सरप्राइज करेंगे छोटा सा, भाई देखिए उनके लेवल का तो मैं नहीं कर पाऊँगा ठीक है, लेकिन हाँ अपने लेवल का मैं करूँगा सरप्राइज। उनके लिए छोटा सा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा होगा। जो सरप्राइज होता है वो किसी की मैंटैलिटी पर डिपेंड करता है, उसकी मैंटैलिटी कैसी है, क्योंकि देखो जो उसका सरप्राइज होता है वो अपने इच्छा अनुसार और अपने पैसे के अनुसार ला रहा है, उसकी ज़बरदस्ती नहीं कर लाना ही है। तो वही मैं छोटा सा करने की कोशिश करूँगा, अगर उनको अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, अगर वो अपने साथ हो सकता है अपने वीडियो में कैद कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप फिर भी मैं कोशिश करूँगा बहुत ज़्यादा कि यार वो मेरा सरप्राइज ग्रहण कर लें, जो भी रहेगा वो देखेंगे। अभी बिल्कुल पास में हम लोग के घर है, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं रहा है घर, बिल्कुल पास ही में आ गया है। बिल्कुल देखिए मैं आपको एकदम तो नहीं बता सकता क्लियर, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँ यहाँ से बस खाली 200 से 300 मीटर की दूरी है। जैसे कि अगर आप पता नहीं क्या हो गया, मुझे काफ़ी डर लग रहा है, और मैं एक केक के साथ एक स्पार्कर भी लेके आया हूँ, जो कि ना चिंगारी निकलती है अनार के जैसा होता है, वैसा ही करके लाया हूँ। पता नहीं क्या हो गया, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कर रहा पहले से भीड़ लगी हो या वो पहले से बाहर ही हो, कुछ भी हो सकता है यार, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर लोग खड़े भी हैं, पता नहीं वहीं सब जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ मुझे दिख रही है रोड पर। इस रोड पर अब यहाँ से बस मात्र 100 मीटर की दूरी बची है और एकदम फिर सीधे हम लोग सुतानी दीदी के घर के सामने होंगे। देखिए सामने धूप आ रही है, रोड एकदम सन्नाटे में और स्पीड में, अगर यहाँ से उनका घर भी दिख रहा है, कोई सोसाइटी है, देखिए एक घर नहीं उसमें एक जो घर होगा वो बहुत ही सेफ घर है, बिल्कुल जैसे सौरभ जोशी घर है। देखिए वो सामने जो घर दिख रहे हैं, देखिए वो देखिए ये देखिए हम लोग सोसाइटी में उनके आ गए हैं। अब एंट्री मिलती है नहीं मिलती है वो पता करेंगे गेटमैन से कि भैया एंट्री देंगे कि नहीं देंगे, मुझे मुश्किल ही है, लेकिन आप फिर भी यही जगह सोसाइटी है, यही सोसाइटी है दीदी की एकदम। अब इसका मेन गेट देखते हैं कहाँ पे है, और दीदी दिख जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे मैंने उनका घर नोटिस किया हुआ है कुछ, जैसे उनकी यूट्यूब पर जो वीडियोज़ देखता हूँ उस तरह से, ये देखिए गेट एक है, ये लॉक है और आगे से गेट है ये, तो कुछ यहाँ से लेते हैं भैया से। भैया शिवानी दीदी घर यहाँ, शिवानी दीदी घर यहाँ कहाँ, यहीं तो है, हम सब देखें आपका भी है वीडियो देखें केक के लिए कैड करवाने के लिए। अरे आप पहले एंट्री कराइए। हाँ एंट्री कर देंगे। अरे आप यहाँ पे एंट्री मिल गई है, बस केक ले आए हैं, केक ये रखा हुआ है, अंदर भी रखा, अंकल जो इस वीडियो में आ चुके हैं ये भी सारे अंकल आ चुके हैं, और अंकल एंट्री करनी है यहाँ पे। कहाँ जाएंगे दी? शिवानी दीदी के यहाँ, शिवानी दीदी के यहाँ बात केक कटवाना था, हम लाए हैं उनके लिए। अब बात नंबर नंबर तो मेरे पास नहीं है, बात के बिना वहाँ केक कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। हाई नहीं है ना, है अरे हमें पता, वो है हम सब, वो मानते हैं बिना बात के नहीं होगा, हमें केक कटवा, अगर आप उनसे बात कर लें कह दिए सब्सक्राइबर आए हुआ है। बात ये कोई ऐसा, अगर आपके पास कांटेक्ट नंबर हो उनका, बात उनका परमिशन हो तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हैं बिना परमिशन के, कोई कोई अलाउड नहीं। अब हम केक के लिए क्या है, उनके लिए कटवाने के लिए आपकी गलती, आपने लेने कराए केक, जब आप जब तक आपकी बात लेना चाहिए नंबर लेके आना चाहिए भाई, हम आपके आएंगे आपको परमिशन है अगर तभी तो हम सबको व्यवस्था करके आएंगे, आपका हम ये भी नहीं मांगेंगे आपको कोई परमिशन, हम वहाँ से हम ढेर सारे फूल लेकर और माला लेकर बैंड लेकर आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, तो मतलब कोई एंट्री नहीं है। तो कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, हम मिलने आए थे पास ही में रहते हैं यहीं पे, ऐसे किसी से नहीं मिलती है, आप
शायद कुछ कर लें, शायद आप बात कर लें, आप बता दीजिए अगर वो मना करें हम लौट जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात नहीं करेंगे आप, पहले आप एक बात समझिए, बिल्कुल हम किस बिल्कुल बात नहीं करेंगे किसी से। अगर आपके पास उनका कोई परमिशन हो या आपके पास मोबाइल नंबर पे उनसे बात करवा दीजिए तो जाने देंगे, अन्यथा आप गेट के बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, मतलब कोई रास्ता नहीं। ऐसे तो हमने पहली बार देखा है, पहली बार आप देखो चाहे इसी वजह तो मजबूरी है ना, जिस वजह से हम लोगों को सिक्योरिटी है लगी है तो व्यवस्था तो हमें देखनी पड़ेगी। तो व्यवस्था हम ये नहीं करें क्या, उन्हें व्यवस्था रूल तोड़ दीजिए, हमने आपसे ये भी नहीं कहा एकदम रूल तोड़ दीजिए, हमें जाना ही है, मार घुस गए अंदर, हमने अंकल आपसे पूछा एकदम, आपने अंकल एंट्री कर दो, एंट्री कर दे रहे। कोई वो नहीं है रास्ता, मजबूरी है। हम आपकी बात समझते हैं, आपकी भी जॉब का सवाल है, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हैं, हम देखो भैया ये सिक्योरिटी नौकरी है, तुमने भावना, अरे देखिए हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी नौकरी का मतलब तो है नहीं कि बिल्कुल कतई नहीं जाना है, कि मेरा रूल यहाँ लिखा है कि आप कहीं नहीं जा सकते, हम खड़े हैं आप हमारे तो कहीं नहीं जा सकते, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं ना। जब तक हमें अंदर से किसी का परमिशन नहीं मिलेगा, आप कहीं भी नहीं जा सकते। हम आपकी बात समझ, हमने कहा नहीं परमिशन नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो कोई रास्ता नहीं किसी प्रकार का, इसके लिए कोई रास्ता मैं, अगर आपके पास उनका नंबर होता है कॉन्टेक्ट, अगर वो बोल देती कि हाँ भेज दो, कोई टेंशन नहीं, भेज देते, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत। हाँ आपकी बात समझ में, फिर भी अगर आप अंकल देख लें बगली से आए थे, हमको ये भी नहीं बताया, हम तो कल उनकी वीडियो देखी, तो तुमने इस अपार्टमेंट को देखा तो हम पहचान गए। नहीं भैया इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, आप दे नहीं सकते कोई। तो देखो भाई हम यहाँ पे एकदम बिरला के सामने खड़े हैं, और ये रहा इनका बिरला। भैया आप देखो इनने हमको अंदर जाने नहीं दिया, वो बात अलग है, हमने इनसे बहुत कहा कि हमको अंदर चले जाने दो, लेकिन इन्हें जाने नहीं दिया। हम मतलब इनसे आधा घंटा हमने इनसे माथा पच्ची कर ली और इन्होंने हमको जाने नहीं दिया, ठीक है। तो भैया यही इनका बिरला, हमको घर अंदर जाने नहीं दिया है, और इनसे हमने कहा कि भैया हमारा गिफ्ट वेस्ट ना हो तो एक गिफ्ट भैया हमारा ले लें, तो भैया इन्होंने हमारे गिफ्ट के लिए भी मना कर दिया। अब हमको इतना ख़राब लग रहा है कि बस खाली पूछो मत। आपको थोड़ा सा इनका राउंड दिखा देते हैं कि इनका कितना बड़ा ये बिरला है। तो यहीं पे इनका घर कोई भी हो सकता है, मैं आपको बताऊं कोई भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने यार हमारा मतलब यार हम इतने मन से आए थे कि आज इनसे मिल के जाएंगे, तो वो मेरा नहीं हुआ है और ना ही मैं इनसे मिल पाया हूँ। एक गेट मुझे ये भी लग रहा है, लेकिन तो कल नहीं आ सकते इधर से भी, सर धन्यवाद। तो ये देखिए यही इन्हीं में से कोई इनका घर है, और मुझे मना कर दिया गया इस गेट से भी। भैया हम क्या बताएं यार, मतलब यार हमने ऐसा तो भाई सौरभ जोशी के 10 मिलियन है, मतलब यार 1 करोड़ है, और फिर भी वो नहीं मना करता है किसी से मिलने के, हर सब्सक्राइबर से मिल के जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं इन्होंने अपने लिए कितनी सिक्योरिटी लगा के रखी है, किसी लगा के रखी है मुझे नहीं पता। वहाँ पर गिफ्ट दे दो भाई, गिफ्ट मिल जाएगा आपको, सौरभ जोशी गिफ्ट मिल जाएगा, लेकिन भैया शिवानी दीदी ने ऐसा करके रखा है किसी भी से मिलने की इजाज़त नहीं है, ना ही आप मिल सकते हैं। चलिए कोई बात, मैंने आपको यहाँ से आगे का नज़ारा दिखा दिया है, अब इधर से आपको हम पीछे का नज़ारा दिखा सकते हैं। अरे हमको लगा था भैया आराम से इनसे मिल लेंगे, क्योंकि इनके 6 मिलियन थे, 6 मिलियन कह रहे 6 लाख थे, 6 मिलियन बहुत बड़ी है। ये मतलब सौरभ जोशी के बराबर कुछ भी नहीं है, फिर भी हमसे नहीं मिलने दे रही हमको है। तो यार हमको तो काफ़ी बहुत ख़राब लगा आज के, बताओ यार उनके 6 लाख फॉलोवर होके और सौरभ जोशी के 10 मिलियन होके इंसान उनसे मिल सकता है सौरभ जोशी से, और यहाँ पर यार बताओ जरा सा यार मतलब यार पर पूछो मत, इतने यहाँ पर शक्ति इन्होंने लगा के रखी यार, हम क्या ही कर सकते हैं उनके लिए। मेरा मन तो काफ़ी ज़्यादा था उनसे मिलने का, लेकिन इन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया, मेरा दिल तोड़ दिया है। सोचा था मिल के जाएंगे बहुत आसानी से, मुझे लग रहा था इनसे मिल लेंगे, लेकिन वैसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं सामने और उनका पीछे से घर दिखाते हैं कि भाई कैसा लगता है आगे से, ऐसा है शिवानी दीदी घर, पीछे से भी आपको हम दिखा देते हैं कैसा है। और हम सोच रहे हैं ये यहीं पर, चलो अच्छा है। तो सामने है इनका, तो देखिए ये रहा उनके सामने बिरला, और एंट्री नहीं मिली, हम क्या ही बताएं, बस हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये सामने है इनका घर, और यहाँ पर हम सोच रहे हैं इनको सरप्राइज़ देने के लिए, यहाँ से कभी भी निकलेंगे शायद उनको बोर्ड दिख जाए,
तो शायद उनको थोड़ा सा अच्छा लगे, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड भैया इनसे बात करेंगे, अगर ये राजी हो गए तो उनको यहीं पर बोर्ड वोर्ड लगवा देंगे। ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं अब, हमें यहीं पर बोर्ड वोर्ड लगवा देंगे, शायद वो कभी आते जाते देख लें तो काफ़ी हमको अच्छा लगेगा और शायद अपने ब्लॉग में वो ले लें। इन भाई से बात कर ली है तो इन्होंने कहा यार अपना सरप्राइज आप, तो हमने इन भाई से बात कर ली, कह रहे हैं आप यहाँ पे अपना कुछ भी जो भी करना है आपको सरप्राइज देना है वो लगा सकते हो। वो अब कभी भी आए तो उनको दिख जाएगा ऐसा सरप्राइज होगा। चलिए कोई बात नहीं, सामने बिरला है यहीं रहती हैं, इतना सिक्योरिटी तो यार सलमान खान ने भी अपने लिए नहीं लगाई जितने इन्होंने लगा के रखी है। और बताएं दुश्मन तो सौरभ जोशी के इतने हैं ना कि आप सोच नहीं सकते। फिर भी इन्होंने मना किया तो मैं बात मान के, वैसे हम कानपुर के बता दें आपको हम गुंडे हैं, लेकिन हम चाहते हो जबरदस्ती घुस सकते हैं, तो अभी एक नहीं कम से कम 200 लड़के लेके आते हैं घुस जाते हैं अंदर, ये मैं कुछ नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हम उनकी सम्मान कर रहे हैं दीदी की वजह से खाली, लेकिन दीदी की हमें काफ़ी ख़राब लग रहा है कि वो अपने फ़ैन बनाकर और अपने फैनों से नहीं मिल रही है। देखिए ये पीछे से कुछ एरिया इनका ऐसा दिखता है, पूरा दिखेंगे यार कभी कदार हमको मिल जाए वो बात अलग है यार, लेकिन हमें बड़ा ख़राब लगा कि बताओ ऐसा भी है क्या यार, कि मतलब यार अपने फ़ैन बनाकर अपने फ़ैन से ना मिलना ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि यार कोई अपना फ़ैन बनाए या फिर फ़ैन से ना मिले बहुत ज़्यादा ख़राब है ये। अगर हम ऐसा अगर कुछ कहें तो इनके लिए तो फिर ये उसके लायक नहीं है, हम तो फिर यही कहेंगे। क्योंकि यार देखिए जो अपना फ़ैन बनाता है तो वो उससे मिलता भी है, मिलना भी चाहिए। क्योंकि यार देखिए जो फ़ैन बना रहा है पहले अपना फिर फैन से नहीं मिल रहा है तो ये उसके लिए मतलब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का मतलब होता है तो वो अहदे के लायक नहीं है। तो यार हम तो चाहेंगे कि यार ये गलत काम कर रही हैं सिवाय दीदी, हम तो उनसे मिले भी नहीं है, नेचर भी नहीं पता है, हम तो पड़ोसी हैं, वो टंकी ले रही उसी के आसपास रहते हैं। अब हम कुछ नहीं कह सकते, बताओ यार अब ये केक तो हम अपने लिए काटेंगे, अब क्या ही कह रहा है बर्बाद तो नहीं किया जा सकता केक। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं सीधे अपने घर। ये तो हो गया प्लान मेरा फेल, प्लान क्या फेल हो गया भैया यार, हमने बहुत कोशिश की। अब देखो यहाँ से कूद के भी जा सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कोई बड़ी बाउंड्री नहीं है, नाला है, नाला आराम से क्रॉस कर सकते, ऊपर कूद जाएंगे और इनके बिल्ला के अंदर घुस सकते हैं। लेकिन देखो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे किसी को दिक्कत हो। अब हमने आपको पहले बता दिया हम तो गुंडे हैं, साफ सीधी बात, देखिए सामने रास्ता खुली हुई है, यहाँ से आराम से घुस के जा सकते हैं बिल्ला के अंदर। और हम तो भाई गुंडे हैं, तुम्हें बड़ा कानपुर के ब्लॉग बनाने लगे हैं, पैसा कमाना हमको भी है, तो चाहे तो हम जाके जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, लेकिन देखो कोई काम जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो यार हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि गलत कर रही हैं दीदी बहुत ज़्यादा, पहले फ़ैन बनाना फिर फ़ैन से ना मिलना ये बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। और आपको ये वीडियो हल्की सी भी अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि भाई हमने आपको कुछ अच्छी चीज़ दिखाई है यार, तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वीडियो वॉचिंग, बाय बाय।